हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिष्ठा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नए ब्रांड के बारे में। आज हम बात करेंगे, वो है फैंट्रा प्रो बोटानिका के प्रोडक्ट्स, जिसमें से आज मैं सिर्फ और सिर्फ शैम्पू के बारे में बात करूँगी, क्योंकि शैम्पू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर क्लेंजिंग में। और जब समर्स आते हैं तो हेयर क्लेंजिंग मस्ट हो जाता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रेसी हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, स्प्लिट सेंट्स होते हैं और हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है हेयर से रिलेटेड और साथ में स्कैल्प के हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी की सारी आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पर फिर भी है ना नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुँच पाता है, तो प्लीज़ या से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लो अच्छे से। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर क्लेंजिंग के बारे में कि वो इतना ज़्यादा क्यों नेसेसरी होता है कि हमें अपना हेयर क्लेंजिंग मस्ट लगता है। बिकॉज ऑफ डैट कि हम बाहर घूमते हैं फिरते हैं तो बाहर का डस्ट हमारे स्कैल्प पे लगता है और साथ में हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा नो ख़राब हो जाते हैं, फ्रिज हो जाता है और डैंड्रफ हो जाता है, ऑयली, अब तो समर्स का टाइम है तो ऑयली हो जाते हैं और साथ में उनका जो मॉइस्चराइजेशन होता है बालों का वो सब बिल्कुल ख़राब होने लगता है, उड़ने लगता है, ड्राई हो जाते हैं, डल लगते हैं और किसी भी तरीके की सॉफ्टनेस बालों के अंदर नहीं पहुंच पाती है। इस सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमें हेयर क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू। सो शैम्पू भी हमारा इस तरीके से होना चाहिए जो कि हमारे बालों में मॉइस्चराइजेशन भी दे और साथ में स्कैल्प की हेल्थ को भी है ना मेनटेन करके रखे और हमारे जो बाल हों एकदम मजबूत बने रहें। सो आज मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाली हूँ और इन सब चीज़ों का ख्याल जो रखता है वो है हमारा ये नया ब्रांड जो कि है फैंट्रा प्रो बोटानिका का शैम्पू, जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फैंट्रा प्रो बोटानिक अनियन ब्लैक सीड्स ऑयल शैम्पू। और इस शैम्पू की सबसे अच्छी बात यह है कि इस शैम्पू के अंदर है ऑयल जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकने में साथ में हेयर ग्रोथ को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और ये शैम्पू आपके बालों को क्लेंस करने के साथ साथ ऑयल के भी है ना गुण इसमें डाले गए हैं, जिससे कि आपके बाल साफ भी हो जाए और साथ में बालों को एक मजबूती और साथ में जड़ों तक अंदर तक हमारे जो बाल हों एकदम मॉइस्चराइज हो जाए और हेयर फॉल को भी रोकने में काफ़ी बेनिफिशियल वाले इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की, वो है अनियन ब्लैक सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट्स और रोजमेरी, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ में इस शैम्पू में एक और अच्छी बात यह है कि हमारे जो बालों का जो पीएच लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेटनिंग, स्टाइलिंग और काफ़ी ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स या एक्सेसरीज और अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे जो बाल होते हैं बालों के अंदर की जो नमी होती है वो सब ख़राब हो जाती है और उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिज हो जाते हैं। तो इसलिए पीएच उसका जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है ये शैम्पू। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस शैम्पू को मैंने कैसे अप्लाई किया था। रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये महसूस करने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी हो गए थे, जो कि मुझसे काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहे कि आपने कौन सा शैम्पू अप्लाई किया है। साथ में इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे ना 12 घंटे तक महसूस होती रही कि इस
कि जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी है, वियरेबल है, आप इसे वियर कर सकते हो और इतनी हार्श भी नहीं लगती, बहुत अच्छी प्लीसेंट फ्रेग्रेंस है। और साथ में अगर इस शैम्पू की कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, थिक है और आपका एक पंप में ही ना काम हो जाता है। और आप देख ही सकते हो, और ट्रांसपेरेंट टाइप का ये शैम्पू है जो कि आपके बालों में बहुत अच्छे से ना स्प्रेड हो जाता है और बहुत अच्छा लेदर क्रिएट की जो क्वांटिटी है वो 300 ml की है और इसका जो प्राइस है वो है 499 rupees का। पर इसके अलावा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना डिस्काउंट चलते रहते हैं और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन पे और साथ में इसकी खुद की वेबसाइट पे। सो गाइस, इस शैम्पू के अलावा दो और शैम्पू भी है ना अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक एक करके बात करूँगी। तो बात करते हैं सेकेंड शैम्पू की जो कि है फैनशाम प्रो बोटानिक का कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल शैम्पू। इसकी खास बात यह है कि ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ में थिक भी करेगा। जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं तो उनके बालों में वॉल्यूम भी देगा, साथ में है ना आपके बालों को है ना स्ट्रॉन्ग भी बनाने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। साथ में इसकी क्या फ्लैट एंड थिन बालों को बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमनाइज करेगा, साथ में स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जो ड्राई बाल हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर है आमंड ऑयल, सिसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल और साथ में हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन और विटामिन B5 and E जो कि बालों को और भी ज़्यादा ना सॉफ्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ में स्कैल्प की हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। और इसके अंदर है pH बैलेंस फॉर्मूला जो कि बालों की अगेन मॉइस्चराइज करने में काफ़ी हेल्प करता है रूट टू टिप। और इस इन शैम्पूओं में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंदर किसी भी तरीके के सल्फेट, पैराबेंस जैसे हार्मफुल केमिकल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और बात की जाए इस प्रोडक्ट की है ना कंसिस्टेंसी की तो पहले वाले की तरह है, फर्क इतना है कि ये ट्रांसपेरेंट है बट अपने अपने थोड़े कलर के मुताबिक है, जैसे कि ये क्रीम कलर का है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी ज़्यादा नो कैंडी टाइप की है जो कि वियरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है एटलीस्ट 12 hours तक, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो मुझे शाम तक महसूस होती रहती है कि हाँ आपने शैम्पू अप्लाई किया है और बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत आपके बाल हो जाते हैं। सो ये भी इसका जो प्राइस है 499 rupees का और साथ में इसकी जो क्वान्टिटी है 300 ml की है जो कि अमेजोन पे आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। और ये भी बेस्ट है, अगर आप इसे समर में ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। फैंट्रा प्रो बोटैनिक का मोराकॉन आर्गन ऑयल शैम्पू जिसका क्लेम है कि ये आपके ड्राई, डल, रफ बालों को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देगा, साथ में स्प्लिट्स एंड्स को भी है ना कम की कंसिस्टेंसी के बारे में बात करने की तो मैं आपको बताती चलो कि ये थोड़ा वाइट कलर में है बट ये ट्रांसपेरेंट है जैसे और शैम्पू है, पर आपको ना हर शैम्पू का एक अलग आपको कलर नज़र आएगा। और ये थिक कंसिस्टेंसी का है और आपका एक ही पंप से है ना आपका काम हो जाता है अगेन। और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस शैम्पू को बनाने के लिए इन्होंने किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नो पैराबेंस, नो सल्फेट जैसे होते हैं ना केमिकल्स वो सब इसमें नहीं डाले गए हैं। साथ में ये सिलिकॉन फ्री शैम्पू है जो कि है ना आपके बालों को और भी ज़्यादा ना सपोर्ट करेगा हेल्थी बनाने में। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है कमाल की फ्रेग्रेंस है, इस शैम्पू की मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि है ना ये बहुत ही नो प्यारी सी प्लीसेंट सी इसकी फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और अगेन इसका प्राइस 499 rupees है और 300 का इसकी क्वांटिटी है और अगेन ये अमेजोन पे आपको डिस्काउंट। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट्स के सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जो कि मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि ये तीन टाइप में ये शैम्पू अवेलेबल होता है, जिसमें कि एक आर्गन मोराकॉन ऑयल शैम्पू है, एक अनियन ब्लैक सीड शैम्पू है और साथ में
है कैस्टर कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल शैम्पू, जो कि अमेजिंग 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 है। और इन सारे शैम्पू के लिंक्स वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।